बीते 62 दिनों से ग्रेड पे के लिए आंदोलित मनरेगा कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में धरना स्थल पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि इस मसले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपर मुख्य सचिव ने कैबिनेट का फैसला कैसे पलटा, ये चिंता का विषय है। मनरेगा के जो हमारे साथी आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो कोविड का जो प्रभाव है उसकी वजह से प्रदेश के जो कार्यकारिणी के साथी हुई यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। विगत 62 दिनों से जो है मनरेगा के जो हमारे साथी हैं इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सरकार द्वारा कोई वार्ता करके इनके जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गांव के ग्रामीण को भी जो है रोज़गार मिलता है, और कोरोना की इस महामारी में जो लोग वापस उत्तराखंड आ रहे हैं उनको भी रोज़गार की बात मनरेगा के माध्यम से ही होती है। लेकिन 62 दिनों से जब कोई काम नहीं हो रहा है तो कैसे रोज़गार मिलेगा, इस रोज़गार के दृष्टिगत भी और मनरेगा के जो कर्मी हैं उनकी जो मांग है उसके दृष्टिगत भी जो है। बता दें हड़ताल की वजह से 62 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का कामकाज पूरी तरह से ठप है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य कैबिनेट में मनरेगा कर्मियों का मानदेय हर साल 5% बढ़ाने का निर्णय किया था। अब SCS ने अपने स्तर से कैबिनेट का फैसला पलटकर आउटसोर्सेस पर नियुक्ति करने का आदेश कर दिया है, जो कि गलत है। कैबिनेट का निर्णय तो कैबिनेट ही बदल सकती है। इससे साफ है कि सरकार को अधिकारी मनमाने ढंग से चला रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।